आपको बता दूं कि Realme का फोन यहाँ पर 4G कनेक्टिविटी के साथ में आता है। थोड़ा ध्यान से सुनिए कि 4G के साथ में आ रहा है, मींस क्या 5G को लेके फ्यूचर प्रूफ नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो काफी कमाल के स्मार्टफोन के बीच में, जिसमें हमारा पहला स्मार्टफोन है Realme 9 4G वर्सेस iQOO Z6 5G स्मार्टफोन, और आपको बताएंगे कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में से किसका कैमरा ज्यादा बढ़िया है, किसकी डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया है, या ओवरऑल कौन सा फोन यहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Realme के अंदर हमें 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ iQOO के अंदर हमें 6.58 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले के मामले में तो भाई यहां पर Realme का फोन ही विनर है, और ये iQOO वाले भाई आईपीएस एलसीडी पे अटके हुए हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं पिक्सल डेंसिटी की, तो Realme फोन के अंदर है 411 ppi की, वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन के अंदर है 401 ppi की। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेशियो है 20:9। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आपको बता दूं कि Realme का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, जो कि Realme UI 3.0 पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ iQOO का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है, जो कि FunTouch 12 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहां पर iQOO का फोन ही विनर है। और यहां पर जो Realme है ना भाई, भर भर के ब्लोटवेयर मिलेंगे आपको फोन के अंदर। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। तो आपको बता दूं कि Realme फोन के अंदर हमें Snapdragon 684G चिपसेट दिया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों चिपसेट के मामले में यहां पर भाई iQOO का फोन ही विनर है, और ये Realme वाले 680 पर अटके हुए हैं आज भी। और दोस्तों वहीं अगर मैं बात करूं दोनों स्मार्टफोन के एंटूटू स्कोर की, तो Realme का फोन का आता है सिर्फ 2,75,000, वहीं दूसरी तरफ iQOO के फोन का आता है 4,10,000। यानी कि दोस्तों एंटूटू स्कोर के मामले में यहां पर iQOO का फोन ही विनर है। और दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहां पर LPDDR4X RAM को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा सेटअप की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले बात कर रहे हैं दोस्तों Realme की, तो Realme के फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। अल्ट्रा वाइड नहीं दिया भाई iQOO वालों ने। यानी कि दोस्तों बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहाँ पर Realme का फोन ही विनर है। और दोस्तों आपको बता दूं कि मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं, यानी कि 4K का तो कोई सपोर्ट ही नहीं है भाई दोनों में। और साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर स्लो मोशन मोड को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, यानी कि सेल्फी लवर के हिसाब से तो भाई यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा गजब है। और वहीं अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की। तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, लेकिन फास्ट चार्जिंग में हमें यहां पर फर्क देखने को मिल जाता है, क्योंकि Realme का फोन यहां पर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ iQOO का फोन 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फास्ट चार्जिंग में पीछे रह गए यार तुम। यानी कि दोस्तों अगर आपको एक अच्छी फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेना है ना, तो आप Realme की तरफ जरूर से जा सकते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो आपको बता दूं कि Realme का फोन यहाँ पर 4G कनेक्टिविटी के साथ में आता है। थोड़ा ध्यान से सुनिए कि 4G के साथ में आ रहा है, मींस क्या 5G को लेके फ्यूचर प्रूफ नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं iQOO, तो iQOO का फोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें 3.5 mm जैक भी दिया गया है। और वहीं अगर मैं बात करूं स्पीकर्स की, तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं, सिर्फ सिंगल स्पीकर। डुअल स्टीरियो का तो भाई मतलब ही नहीं है, क्यों देंगी ये कंपनियां हमें। और वहीं अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो Realme का फोन यहां पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ iQOO का फोन इनसाइड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस
वाइब्रेशन लॉक के साथ में आता है। यानी कि दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में तो भाई यहां पर रियलमी का फोन ही विनर है। और हम लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि रियलमी फोन के 6+128GB वेरिएंट की कीमत है 17,999 रुपए। वही दूसरी तरफ आईक्यू फोन के 6+128GB वेरिएंट की कीमत है 14,999 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, रियलमी को या आईक्यू को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलेगा। और साथ ही दोस्तों ऐसे स्मार्टफोन के इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।